मेरे रूफ के ऊपर से 11 kV की हाई टेंशन वायर जा रही है। अगर वायर कट जाए और रूफ पर गिर जाए तो क्या होगा? सर, 11,000 kV के नीचे घर बना दिया तो क्या होगा? सर, वायर हाउस के ऊपर गिर जाए और आदमी नीचे हो तो उस कंडीशन में शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? प्लीज मेरे कमेंट का जवाब देना। सर, क्या घर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है हाई टेंशन वायर 11,000 kV टूटने पर? सर, मेरे घर से अटैच है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे से कमेंट में पूछे गए हैं। हो सकता है आपके मन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर हाई टेंशन वायर, हाई करंट कैरिंग वायर, हाई वोल्टेज कैरिंग वायर आपके रूफ पर गिरती है तो क्या होगा। बेसिकली गाइस, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर के अंदर 220 वोल्टेज दी जाती है, जो कि सफिशियंट है हमारे घर के सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए। बट यहाँ पर हम 220 वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो ट्रांसमिशन में वोल्टेज यूज में लिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि 11 kV हो सकता है। मीन्स आपकी 11,000 वोल्ट की लाइन हो सकती है, आपकी 33 kV की लाइन हो सकती है, आपकी 66 kV की लाइन हो सकती है। ये जो लाखों में और हजारों में वोल्टेज अगर आपकी रूफ की छत पर आ जाता है, आपकी छत पर आ जाता है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि गाइज, ये जो जितना भी करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा था, अब उसको ग्राउंड का पाथ मिल जाएगा आपके घर के थ्रू। अब ऐसी अलग एक कंडीशन हो सकती है कि आपके रूफ पर कोई जो है इंसुलेशन है, जहां पर वो जो वायर है वो जाकर गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वुडन सर्फेस है या आपके कोई अदर मटेरियल है, आपके प्लास्टिक बॉडी पर वायर गिरा है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि इंसुलेशन में करंट फ्लो नहीं होता, तो जितना भी आपका अमाउंट में करंट था वो एक इंस्टेंट वैल्यू के लिए आपकी छत पर तो आएगा, लेकिन वो जो ट्रिपिंग सर्किट है, जहां पर हमारी कंट्रोलिंग हो रही है उस वायर की, वो वहां से ट्रिप कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम पर रिले वहां पर जो है ट्रिप होगी, जैसे ही वायर ब्रेक होगा वैसे ही विद इन अ सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर उस वायर का जो करंट है वो जीरो हो जाता है। बट किसी कंडीशन में अगर वो करंट जीरो नहीं होता है, तो जितना भी करंट है आपके रूफ पर आ जाएगा, उसे ग्राउंड पाथ मिल जाएगा और आपका जो करंट है सारा का सारा आपके बिल्डिंग के थ्रू, आपके हाउस के थ्रू, वो सारा ग्राउंड हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर आप अंदर हैं तो आपको भी जो है डेंजरस कंडीशन देखने को मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा, सर 11,000 kV के नीचे घर बना दिया तो क्या होगा? सर, ये जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन जनरली आप सभी के मन में आता होगा कि मेरे घर के पास से ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, क्या कोई रिस्क है, क्या कोई रिस्क हो सकता है? तो होता क्या है कि गाइस, जब भी कोई भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिट करती है हमारी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। रेंज कहने का मतलब ये है गाइस, उसे हम क्लियरेंस कहते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। उसका होता है आपका हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस और एक होता है आपका वर्टिकल क्लियरेंस। मींस एक पर्टिकुलर हाइट होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके कोई ट्रांसमिशन लाइन आपके छत के ऊपर से जा रही है और आपका जो घर है वो दो बिल्डिंग का है, मींस दो फ्लोर आपने उसमें बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये जो दो फ्लोर है इससे इस वायर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट जैसे ही आप विदाउट किसी गवर्नमेंट को बताए या विदाउट डिपार्टमेंट को बताए अगर आप अपनी बिल्डिंग बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको डेंजरस रिस्क देखने को मिल सकता है। आपने एक भी चीज देखी होंगी कि जो आपकी हाई ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं वो आदमी को अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक पर्टिकुलर डाटा हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसने जो है डिजाइन कर रखा है कि हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस इतनी होनी चाहिए इतनी केवी की लाइन के लिए और वर्टिकल क्लियरेंस इतनी होनी चाहिए आपकी इतनी केवी की लाइन के लिए। तो अपनी मन मर्जी से हम जो है अपनी बिल्डिंग का साइज और अपनी बिल्डिंग की हाइट नहीं डिसाइड कर सकते हैं अगर कहीं पर हाई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। वहां पर जो है हमें परमिशन लेनी होती है। अगर हमें दो बिल्डिंग के लिए अप्लाई जो है हमने करा है, तो वो अगर वहां पर पास होता है तभी हम वहां पर जो है दो फ्लोर बना सकते हैं। अदरवाइज हमें जो है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमें डिजाइनिंग दी जाएगी कि आप इतने से ज्यादा हाइट पर जो है अपना घर ना बनाए, क्योंकि जो है गाइस हजार्डियस कंडीशन वहां पर हमें देखने को मिल सकती है, वहां पर जो है आपको लाइन अपनी तरफ खींच सकती है। थर्ड क्वेश्चन है गाइस हमारे पास कि सर वायर हाउस के ऊपर से गिर जाए और आदमी अगर नीचे हो तो क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर वायर आपके हाउस के ऊपर गिरती है तो विद इन अ सेकंड में उसका जो करंट है वो जीरो हो जाता है आपके जो भी आपके कंट्रोलिंग रूम है उसके थ्रू। बट किसी कंडीशन में करंट जीरो नहीं होता है और आप अगर घर के अंदर हैं, अगर आपने इंसुलेशन शूज पहने हुए हैं जो कि हाई इंसुलेशन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है हम 220 वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमारी बात हो रही है लाखों में हजारों में वोल्टेज की। अगर आपने हाई इंसुलेशन शूज पहने हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपने कोई भी इंसुलेशन शूज नहीं पहने हुए हैं और आपने दोनों फीट को अपने आपस में टच कर रखा है, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, वहां पर स्टेप पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप अंदर हैं, आप फ्रीली घूम रहे हैं, रूफ के ऊपर हाई ट्रांसमिशन वायर आ गई है, तो उस कंडीशन में आपको शॉक लगेगा, उस कंडीशन में आपको डेंजरस कंडीशन में आप जाएंगे। क्या घर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है हाई टेंशन वायर 11,000 kV टूटने पर? मेरा घर से अटैच्ड है। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हाई ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इसमें लाखों में हजारों में वोल्टेज ट्रैवल कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रेंज में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस
ट्रांसफर है तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। अगर ये जो वायर है आप इसके नियर बाय आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस हम जानते हैं, अगर इस क्लियरेंस के बीच में आप आ जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से हम विदाउट कॉन्टैक्ट के भी जो है हमें शॉक लगता है, जिस कंडीशन में हमारी जो डेथ है वो भी हो सकती है। तो गाइस आप सभी सेफ रहें, आप अपने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियरेंस मेंटेन कर ही अपना घर में जो है डिजाइनिंग करें, अपने घर की फ्लोरिंग करें, उस कंडीशन में आपको शॉक नहीं लगेगा। और जितने भी हाई ट्रांसमिशन हाई टेंशन वायर्स होती हैं, ये गवर्नमेंट बिल्कुल सेफ्टी के थ्रू जो है इनको ट्रांसमिट करती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि वायर जब मर्जी टूट रहा है, जब मर्जी ब्रेक हो रहा है, इनकी प्रॉपर जो है मेंटेनेंस की जाती है। हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन वायर्स को भी चेंज करता है। आई होप गाइज वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ऐसी और वीडियोज आप देखना चाहते हैं या आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं आपकी कमेंट को पिक करूंगा और उसी के रिलेटेड जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।